नमस्कार दोस्तों, मैं जीके सैनी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनली जीके में स्वागत है। आज हम देखेंगे आरपीएससी एसआई रेट फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल, राजस्थान पुलिस और पटवारी और ग्राम सेवक, राजस्थान जीके का भाग नंबर 41। अभी तक अपने राजस्थान जीके के भाग नंबर 40 अपडेट कर चुके हैं। अभी तक आपने वो 40 वीडियो नहीं देखे तो दोस्तों जरूर देखें, क्योंकि राजस्थान जीके, राजस्थान पुलिस हो या एसआई हो, आरपीसी, एलडीसी, पटवारी, किसी भी एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमने जो बताए हैं पूरे क्वेश्चंस पंक्तिबद्ध हैं, लाइन से हैं और सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी आए हुए एग्जामों के अंदर हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस के बारे में। धौरा एक्सप्रेस किसके लिए चली जा रही है? ये पर्यटकों के लिए चलाई जा रही है। ये पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए धौरा एक्सप्रेस चलाई जा रही है। ये बीकानेर जिले के अंदर चलाई जा रही है, पर्यटकों को घुमाने के लिए बीकानेर में चलाई जा रही है। अगला देखिए, चेतक परियोजना का संबंध किससे है? देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का एक संगठन है, सड़कों के सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर जो संगठन निर्माण करते हैं सीमावर्ती क्षेत्रों के ऊपर, उस योजना का नाम क्या? चेतक परियोजना। तो आपको सीधी याद रखना, चेतक परियोजना का संबंध किससे है? सड़क परियोजनाएं सीमावर्ती सड़कों से संबंधित है। अगला देखिए, भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है? 15.2% हिस्सा है। और भाखड़ा नागल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, और भाखड़ा और नागर दोनों अलग अलग बांध भी हैं, आपको ध्यान रखना, लेकिन परियोजना है दोनों संयुक्त रूप से हैं, तीन राज्यों की संयुक्त रूप से ये परियोजना है। अगला देखिए, ऑपरेशन मोजड़ी का संबंध किससे है? ये चमड़ा उद्योग से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना, ये चमड़ा उद्योग से संबंधित है। ये रूड़ा के सहयोग से चलाया जा रहा है, राज्य के 5 जिलों में चलाया जा रहा है। 5 जिले देखिए, जयपुर, जालौर, जोधपुर, पाली और नागौर जिलों में चलाए जा रहे हैं। अगला देखिए, उमरा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? उमरा एक जगह का नाम है जो उदयपुर के अंदर, उमरा कहाँ है? उदयपुर के अंदर है, और ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, और भारत के अंदर यूरेनियम जादूगोड़ा झारखंड के अंदर होता है, लेकिन राज्य में सर्वाधिक उमरा उदयपुर के अंदर होता है। अगला देखिए, तकली परियोजना का किस नदी पर है? ये तकली परियोजना तकली नदी पर है, लेकिन कोटा शहर की परियोजना है, कोटा जिले की ये परियोजना है। अगला देखिए, राज्य गौ सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 23 मार्च 1995 के अंदर की गई थी, और ये जयपुर के अंदर की गई थी। अगला देखिए, राज्य और उत्तरी भारत का पहला महिला इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? अजमेर के अंदर खोला गया था। राजस्थान का हरदी अजमेर को कहते हैं, भारत का मक्का अजमेर को कहते हैं। अजमेर एकमात्र ऐसा जिला है जो भारत की राजधानी रहने का श्रेय प्राप्त हुआ था। अगला देखिए, राज्य में पंचायतों के प्रथम चुनाव कब संपन्न हुए? यानी राजस्थान के अंदर पंचायती राज का चुनाव कब हुए थे? 1960 के अंदर हुए थे, और इसकी स्थापना आपको सभी बताना बगदरी गांव नागौर से हुई थी, लेकिन कब हुई थी आपको हमें कमेंट के जरिए इसका आंसर हमें बताना है। अगला देखिए, ल छ ने आभूषण कहाँ पहना जाता है? महिलाओं की पैरों में। ये आदिवासियों से संबंधित है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि आभूषण कहाँ पहना जाता है। अगला देखिए खपटा क्या है? सहरिया जाति के पुरुषों द्वारा जो साफा पहना जाता है उसे क्या कहते हैं? खपटा कहा जाता है। और सहरिया सबसे ज़्यादा बारा के अंदर होता है, बारा की 2 तहसील है, किशनगंज और शाहबाद तहसीलों के अंदर सर्वाधिक निवास करते हैं। अगला देखिए, माधो सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोटा के अंदर स्थित है, माधो सिंह संग्रहालय कोटा है। हड़ौती आंचल के सभी संग्रहालय, सभी महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं कला और संस्कृति की हैं, वो किस संग्रहालय में रखी गई है? कोटा संग्रहालय में रखी गई है।
अगला देखिए, दास लक्षण, ये इम्पोर्टेंट है। दास लक्षण तैयार किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। दोस्तों जैन धर्म के लिए एक ऐसी जनजाति है, जनजाति नहीं जाति है, जो सबसे शिक्षित महत्वपूर्ण है, सबसे पढ़ी लिखी कौन सी है? तो जैन धर्म, और बुद्धिमान जाति भी कौन सी है? जैन धर्म है। अगला देखिए, सुदर्शन दुर्ग। सुदर्शन दुर्ग किस दुर्ग का नाम है? नाहरगढ़ दुर्ग का नाम है, और ये जयपुर के अंदर स्थित है, और राज्य का पहला भी जैविक उद्यान कह सकते हैं, जो नाहरगढ़ है, कहाँ है? जयपुर के अंदर स्थित है। अगला देखिए, आज का अंतिम सवाल, कप्तान सदरलैंड, सदरलैंड का स्मारक कहाँ बना हुआ है? जोधपुर के अंदर बना हुआ। यह 1857 की क्रांति से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ है? जोधपुर के अंदर है ये। दोस्तों ये हमारा राजस्थान जीके का भाग नंबर 41 था। दोस्तों ये अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और अपने सुझाव कमेंट के जरिए भी दे सकते हैं, और आप मेल भी कर सकते हैं gnksaini@gmail.com के ऊपर भी कर सकते हैं। दोस्तों हमारा फेसबुक पेज जीके सैनी के नाम से, उसे लाइक जरूर करें दोस्तों। और राजस्थान पुलिस एग्जाम 99% दिसंबर के अंदर होने वाले हैं, और जो रिट के एग्जाम है वो फरवरी के अंदर होने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे राजस्थान जीके के पूरे वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर देखिए, हम डेली कोशिश करें कि अपडेट करते रहेंगे। एक और वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँगा, तब तक नमस्कार दोस्तों।